जो माइंड होता है ना, टू टाइप्स के माइंड होते हैं। स्टार्ट कर दिया फिर वीडियो। हाँ, टू टाइप्स के माइंड होते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, पता तो है मुझे, एक होता है सब कॉन्शियस, ठीक है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है ये हमारा हमेशा रहता है, ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा हमेशा रहता है, दोनों हमेशा रहते हैं, ये दोनों हमारे पास होते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा एक ब्रेन है तो समझ ले ये हमारा ही है, कॉन्शियस भी और सबकॉन्शियस भी, दोनों हमारा ही है। ये ब्रेन के अंदर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों हमारा ही है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हम डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो भी हम डेली लर्निंग्स करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। और जो इन सब चीजों से लर्निंग स्टोर होती है, मेमोरीज बनती हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में जाती है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, ठीक है। जो भी मेमोरीज बनती हैं, जो भी चीजें स्टोर होती हैं, जो हम लर्न करते हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसका जो रिजल्ट स्टोर होता रहता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड में। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि अगर अमित ऑफिस जाता है, ठीक है, अमित अमित ऑफिस जाता है, तो अमित रोज जब अमित पहले दिन ऑफिस गया, ठीक है, अमित पहले दिन ऑफिस गया, फर्स्ट डे कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है, कॉन्शियसनेस के साथ, डे टू हो गया, डे थ्री हो गया, डे फोर हो गया। अब ये कॉन्शियसनेस के जो सिग्नल्स हैं, दूसरे दिन तुझे कुछ चीजें याद हो गई, मतलब दूसरे दिन भी तूने सेम प्रोसेस किया, ठीक है, तीसरे दिन तुझे वो चीज याद हो गई, चौथे दिन तू अपने घर से ऑफिस तक कब आ जाता है तुझे पता भी नहीं चलता, देखिए टाइम फिक्स हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है जो कि तेरे ऊपर फुल सेट हो चुका है, तो ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अभी हमने लेटेस्ट में आज क्या किया है, ठीक है।